नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को केदार बताने जा रहा हूँ। केदार में ये कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट से है, इसका मतलब क्या है कि माँ तीव्र लगेगा ही लगेगा। और एक छोटी सी बात आपको ये भी बताऊँ कि दोनों मध्यम केदार में दोनों मध्यम लगते हैं। जाते समय रे और ग नहीं लगता, आते समय सिर्फ रे। कभी कभी मारे सा ऐसे करके आ जाते हैं। तो ये कोशिश ये करनी चाहिए हमें केदार में कि जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये मध्य रात्रि का राग भी है और जब इसको गाते हैं तो कैसे सा मारे पा मा प ध प म रे सा। इसका मतलब क्या समझे आप? जब हम जा रहे थे तो रे और ग नहीं लगाया, लेकिन जब आ रहे थे तो ग हटा दिया, रे लगाया। लेकिन कभी कभी गायक जो गाते हैं वो कभी कभी ग को यूज करते हैं, कभी कभी। ठीक है, कैसे? सा मा रे पा मा प ध प नी द सानी द प म प ध ब म। केदार की खासियत म प ध प म। सा म प ध प नि र सा नि द प म प ध ब म। हो गया? हमेशा याद रखिएगा, केदार की खासियत है कि जब ये जाएगा तब भी आएगा तब भी, दोनों में खूबसूरती। जाने के समय सा म म प और जब आ रहे हैं तो म प ध प म रे सा। अब इसकी बंदिश, इतनी खूबसूरत बंदिश, ये बहुत प्राचीन बंदिश। काना रे नंदन नंदन काना रे नंदन नंदन परम निरंजन परम निरंजन हे दुख भंजन परम निरंजन हे दुख भंजन परम निरंजन
एक एक करके सभी लोग इस पूरी बंदिश के अस्थाई को बोलेंगे। पहले म्यूल से स्टार्ट करेंगे, म्यूल जी आप स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। परम निरंजन हे दुख भंजन, परम निरंजन हे दुख भंजन कान्हा नंदन, कान्हा परम निरंजन हे परम निरंजन काना रे अंतराव काना कंग नंदन नंदन कान कंठ पैर मुदित भई ब्रज बला काना रे ए नंदन नंदन कंठबनी मोतियन कंठबनी मोतियन की माला भाई ब्रज वाला काना रे भाई ब्रज वाला काना रे नंदन नंदन काना परम निरंजन परम निरंजन हे दुख भंजन काना
गाना कंठ अब यहां से टेम्पो बढ़ जाएगा काना रे ना ए काना परम निरंजन ए दुग भंजन परम नंदन गाना रे नंदन नंदन गाना रे काना कंठबनी मोतियन की माला काना रे काना रे काना रे ए नंदन नंदन काना रे रे काना इसको तिहाई कहते हैं। जब भी आप गाना बंद करोगे तो उसको तिहाई से बंद करना है। देखिए नोटेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर आप नोटेशन के सिस्टम पे जुड़ेंगे तो सिर्फ नोटेशन किताब तक ही सीमित रहेगा, आपकी नोटबुक तक सीमित रहेगी। लेकिन मेन है कि जो लाइव म्यूजिक का मतलब क्या है, आपके दिमाग में वो बात आनी चाहिए। होता क्या है, जनरली बच्चे नोटेशन लिख लेते हैं, वो नोटेशन बुक में ही रह जाता है और उसके बाद उसको बंद करके कहीं रख दो। लेकिन जो यहाँ आ जाएगा ना, वो जीवन जन्मांतर तक खुला रहेगा और उसके साथ साथ आप दुनिया को भी बांट सकते हो। तो उस गाने को चाहे कोई भी राग हो उसको बंद करना है। तो बंद कैसे करेंगे, तिहाई लेकर। कैसे, काना रे काना रे काना रे नंदन काना 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 रे नंदन नंदन काना काना रे नंदन। तो इस तरीके से तिहाई लेकर किसी भी राग को बंद कीजिए। तिहाई सबसे इंपॉर्टेंट है। काना रे काना रे काना रे नंदन ना। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।